अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। रैशनल नंबर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप, द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। The decimal fraction in which there are finite number of digit in its decimal part is called a terminating decimal fraction, ठीक है। यानी कि terminating decimal fraction हमारे पास क्या है कि कोई भी number है, हमारे पास value है 2/5, ठीक है। अब जब इसको decimal fraction में हम convert करेंगे तो जो point के बाद हमारे पास जो value होगी वो क्या होगी, finite होगी। तो ये हमारे पास है terminating decimal fraction। एग्जाम्पल देखेंगे हमारे पास क्या है, 2/5, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.4, यानी कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू हो रहा है वो क्या है, फाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 17/5, इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.4, यानी कि फाइनाइट नंबर। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर। सेकेंड हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या है, डेफिनेशन द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि जब भी कोई हमारे पास नंबर है फ्रैक्शन में, उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसमें जो पॉइंट के बाद वैल्यूज आ जाती हैं वो क्या होती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि वो रिपीट हो जाती हैं, ठीक है, 0.2222, यानी कि वो रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, 4/11, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट की जो वैल्यू हैं वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है, क्या है, रिपीट, रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रही है, 0.363636। ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये एक स्ट्रक्चर है इसका। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। रैशनल नंबर में हमारे पास जो टाइप्स हैं, टू टाइप हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको हमें समझने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं 5/2। अब इसको जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.5। अब ये क्या है हमारे पास, यानी कि क्या फॉर्म है, टी जो है वो किसको शो कर रहा है, टर्मिनेटिंग, और एन टी आर जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये जो हमारे पास डेसिमल है ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, फाइनाइट। तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्या है हमारे पास नंबर, 17/5, इसको कन्वर्ट करें जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में, हमारे पास आ जाएगा 3.4, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। 18/15, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में तो हमारे पास आ जाता है 0.5333। तो ये क्या फॉर्म है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो इसकी वैल्यूज हैं वो क्या है, रिपीट हो रही हैं, ठीक है, सेम वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या है, 9/20, तो ये हमारे पास क्या है, 0.45, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी पर ये क्या है, फाइनाइट नंबर है इसमें पॉइंट्स के बाद। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 17/6, जब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.8333, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है, सेम डिजिट इसमें आ रहे हैं पॉइंट्स के बाद। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 11/21, जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है 0.52809523809, यानी कि ये क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। विदाउट कैलकुलेटर हम इससे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स हैं उसका डिनोमिनेटर आपने लिखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो आपने लिखना है। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 2, 5,
अब 15 है, इसका प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5. 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5. 6 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3. 21 का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7. ये हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर के इसका जो डिनोमिनेटर, जो हमारे पास नंबर है उसके डिनोमिनेटर का. ठीक है, अब इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करें क्या है. अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, एक रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. इफ़ अगर इट्स डिनोमिनेटर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5. अगर इस जो हमारे पास नंबर्स हैं इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 है, 5 है या दोनों है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग. ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर कॉन्टेन अदर देन 2 और 5 इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. अगर वो 2 और 5 के अलावा कोई भी वैल्यूज़ हैं, एक भी वैल्यू कोई और है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, 2 और 5 और बोथ इट इज़ टर्मिनेटिंग, अदर देन 2 और 5 इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है. ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग सिंगल वैल्यू है, ये 2 है तो ये टर्मिनेटिंग है, 5 आ रहा है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग. अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, इसमें जो एक वैल्यू भी हमारे पास आ रही है ना, ये क्या है, अदर देन 2 और 5, ये हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, 2 और 5 टर्मिनेटिंग. प्राइम फैक्टर जो हमारे पास डिनोमिनेटर का आया ना वो क्या है, टर्मिनेटिंग. 2 और 5 है ना तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट चेक करें ये हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3, यानी के 2 और 5 के अलावा हमारे पास जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या आ गया, 3. नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, बोथ 3 और 7, यानी कि 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है जो भी, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं. प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास दोनों जो नंबर, एक नंबर अगर सिंगल है तो 2 और 5 हो, अगर दो नंबर है तो दोनों के दोनों 2 और 5 होने चाहिए. ठीक है, उसका जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 हो, 2 और 5 होगा तो वो टर्मिनेटिंग है. अगर 2 और 5 के अलावा कोई है तो वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखिए हमने क्या देखा कि रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स हैं, 2 है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है. अब इसमें जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी भी 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट क्या है, रिपीटिंग है, और सेकंड क्या है, नॉन रिपीटिंग है. रिपीटिंग में हमारे पास क्या है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट है, हो रही है अगेन एंड अगेन. ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन. ठीक है, जो रिपीटिंग में हमारे पास नंबर है वो है रैशनल नंबर. ठीक हो गया. सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है नॉन रिपीटिंग. ठीक है, वो रिपीट तो नहीं हो रही. ठीक है, अब जैसे स्क्वायर रूट है, कोई भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2 है तो ये क्या है, 1.4, वो इनफाइनाइट टाइम्स है हमारे पास, 1.4, 1.4, 2, 1, 3 एंड अप टू सोन. अब पाई की जो वैल्यू क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यानी कि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही लेकिन क्या है, इनफाइनाइट टाइम है, 2.14, 1.532 एंड अप टू सोन. अब जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या है, इरेशनल नंबर है हमारे पास. ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, और रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो क्यू क्या है हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू 0.